गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर 7 में 2 टॉपिक के क्वेश्चंस देखे हैं। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेकंड सेक्शन फॉर्मूला। दिस 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी स्टडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थर्ड टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द टॉपिक? एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब फ्रेंड, जब मैंने यहाँ ऐसा लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमें आता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, इवन 8th स्टैंडर्ड, शायद आप 8th स्टैंडर्ड से ये स्टडी करते आ रहे हो। व्हाट इज़ द टॉपिक? एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द चेंज? सबसे पहले तो आपको 8 और 9th स्टैंडर्ड की जो मेथड है वो याद होनी चाहिए। आपने काफ़ी फॉर्मूला देखी है फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट्स। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? इट्स अ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट्स, आइदर अल्टीट्यूड। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप ये फॉर्मूला कब लेते हो। व्हेन देयर इज अ बेस एंड अल्टीट्यूड आर गिवन इन अ क्वेश्चन, जब बेस और अल्टीट्यूड दिए है तब आप ये फॉर्मूला लेते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट्स। There is another formula to find the area of triangle, is that √3/4 into L square. शायद आपने ये formula कहीं पढ़ी हो, कहीं देखी हो, सुनी हो। What is the formula? √3/4 into L square. तो ये भी पता होना चाहिए कि ये formula आप कब लेते हो। When the triangle is equilateral triangle. What is the meaning of equilateral triangle? Length of all three sides are equal. When length of all three sides are equal, normally we use √3/4 into L square, where L is a length of any sides. You have also another one formula, third formula, that is under root S into S minus A into S minus B into S minus C. तो अब आपको ये याद आ गया होगा, अब आपको ये फॉर्मूला याद आ गई होगी। आप ये फॉर्मूला कब लेते हो? काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला मालूम होती है, लेकिन कौन सी फॉर्मूला कब लेनी है ज़्यादातर बच्चों को वो पता नहीं होता। अब ये फॉर्मूला जब मैंने आपको बताई तो काफ़ी बच्चों को ये याद आ गई होगी, लेकिन अब ये याद नहीं है कि ये कब लेते थे हम। When length of all three sides are given, suppose for the triangle ABC, length of AB, length of BC और length of AC are given, then normally we use, that is called Heron's formula. जो भी मैंने फॉर्मूला बताई वो कौन सी थी? It's a Heron formula. ओके, सो नाउ व्हाट? अब इसमें क्या नया है? अब ये जो मेथड है वो हम कब लेने वाले हैं? व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे मैंने बताया, व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन, देन 1/2 बेस इंटू हाइट्स। व्हेन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन √3/4 इंटू एल स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, देन हेरन्स फॉर्मूला। व्हेन इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द साइड्स। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द साइड इट्स अ बेस एंड हाइट, आउट ऑफ देम वन
विल बी बेस एंड वन विल बी हाइट। तो ऐसे हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला कब लेनी है। तो अब ये टॉपिक हम कब लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, व्हेन द वर्टाइसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। अगेन आई रिपीट, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन देन इट्स अ टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 10। समझ में आ गया? अब हमें क्या दिया होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल थ्री वर्टाइसिस लाइक दिस। सपोज इज लाइक दिस, इट्स अ ट्राइंगल, इट्स वर्टाइसिस आर ए बी एंड सी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस इज एक्स वन वाई वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज एक्स टू वाई टू एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज एक्स थ्री y3। Got it friends? So now vertices, coordinates of vertices are given, then we have to find area of triangle. So there is also one formula to find the area of triangle. Okay, अब वो formula friends हम देखते हैं, लेकिन ये जो formula है वो थोड़ी सी difficult है। वो अगर मैं आपको direct बताऊँगा तो वो आप शायद याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए भी हम कोई ट्रिक सोचते हैं। जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला में भी ट्रिक देखी है, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बताया था कि पहले क्या करना है, एम एक्स प्लस एम एक्स बाय एम प्लस एम, एम वाई प्लस एम वाई बाय एम प्लस एम, फिर वन टू टू वन वन टू, सेम वन टू टू वन वन टू, ये आपको मालूम है। इसी तरीके से इसको भी याद रखने की मैं कोई आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक चेन देखेंगे, कैसी चेन समझिए। सपोज हियर इज वन टू एंड थ्री, लेट्स सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम वन, सो फर्स्ट वी विल गोज टू फ्रॉम वन टू टू, देन वी विल गोज टू 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 थ्री। So chain is what? When we start from the 1, it's 1, 2, 3. Got it friends? Same, suppose we start from 2. So first we will go 2 to 3, then 3 to 1. So we start from 2. So it's a 2, 3, 1. Got it friends? Suppose we start from 3. So first we will go 3, 2, 1, then 1, 2, 2. So when we start from 3, it becomes 3, 1, 2. So now we have 3 chains, 1, 2, 3, 2, 3, 1, and 3, 1, 2. It's like, suppose we have 3 alphabets, A, B, C. So first we start from A, so it's a A, B, C. Then B, so B, C, A. Then C, A, B. Same here, 1, 2, 3, 2, 3, 1, and 3, 1, 2. Yeah. आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए फॉर्मूला काफी इजी हो जाएगी फ्रेंड्स। नाउ व्हाट, व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स डिनोटेड बाय ए बी सी इक्वल्स टू वन बाई टू इन द ब्रैकेट एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस x into y minus y। ये देखिए फ्रेंड्स, अब काफी इजी हो जाएगा। क्या किया मैंने, x into y minus y थ्री टाइम्स लिखा है, x into y minus y, x into y minus y और x into y minus y, ऐसे आपको ये थ्री टाइम्स लिखना है। व्हाट इज द मेथड, वन बाई टू इन द ब्रैकेट x into y minus y plus x into y minus y plus x into y minus y. Now what? After that what? अब ये chain याद करनी है, what is the first chain? It's a 1, 2, 3. तो यहाँ हम लिख देंगे 1, 2, 3. समझ में आ गया? It's so easy. So now second chain is what? It's a 2, 3, 1. तो यहाँ हम लिख देंगे 2, 3, 1. And the third chain is what? It's a 3, 1, 2. तो यहाँ हम लिख देंगे 3, 1, 2.
सो इट बिकम्स फॉर्मूला। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप ऐसा सोचिए कि वी डोंट हैव दिस चेन। अब ये फॉर्मूला आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा सोचो कि आपको ये याद रखनी है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ये कोई ना कोई इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन अब आपके लिए इजी है। क्या किया, फिर से बता दूँ, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, सेकेंड एक्स इंटू वाई माइनस वाई, थर्ड टाइम एक्स इंटू वाई माइनस वाई, ऐसा थ्री टाइम लिख दिया। फिर फर्स्ट चेन 1 2 3, देन 2 3 1 एंड 3 1 2, इट्स सो सिंपल। ओके, एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तक क्या होता था, यहाँ जो मैंने ये ब्रैकेट किया है उसकी जगह मोड्यूलस दिया होता है। लास्ट ईयर तक जो फॉर्मूला थी, इससे दो साल पहले जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें, वहाँ मोड्यूलस दिया था। मोड्यूलस का मीनिंग क्या है, व्हेन एनी वैल्यूज इन अ मोड्यूलस, इफ इट इज नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ ब्रैकेट दिया है, इट्स नॉट अ मॉड्यूलस। सो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, सपोज यू हैव द आंसर -6, तो आपको एग्जैक्ट उसके नीचे ये लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, जो अगर नेगेटिव है तो उसको आपको सिर्फ पॉजिटिव करना है। ओके, और एक चीज़ बता दूँ इसमें, अब जैसे हमने हर टॉपिक में देखा है कि कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस इज गिवन। अगर टू पॉइंट्स दिए हैं, इट मींस 4 कोऑर्डिनेट्स, देन वी फाइंड द डिस्टेंस, एंड इफ द डिस्टेंस इज गिवन देन वी फाइंड एनी 1 कोऑर्डिनेट्स। सेकंड सेक्शन फॉर्मूला, उसमें हमने देखा है देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हमें मालूम है ए दिया है, बी दिया है, रेशियो इज गिवन, देन फाइंड्स सेक्शन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट। इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, डिवीजन पॉइंट इज गिवन, देन वी फाइंड रेशियो। एंड द थर्ड इज इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, सॉरी ए इज गिवन, डिवीजन पॉइंट इज गिवन एंड द रेशियो इज गिवन, देन वी फाइंड बी, इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। एंड द फोर्थ, ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड वी फाइंड डिवीजन पॉइंट, बट फॉर दैट देर इज सम कंडीशन इज गिवन फॉर द डिवीजन पॉइंट, आइदर डिवीजन पॉइंट इज ऑन अ एक्स एक्सिस, आइदर इज ऑन अ वाई एक्सिस। सेम इन द मिड पॉइंट, देर आर टू टाइप्स, फाइंड द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट इज गिवन, उन दो तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं फ्रेंड्स। सो नाउ इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट, इफ ऑल 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल 3 वर्टाइसेस आर गिवन, देन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है, अगेन आई रिपीट, ऑल 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल 3 वर्टाइसेस आर गिवन, देन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड एनी 1 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 6। इट्स सो सिंपल, इट मीन्स देर आर टू टाइप्स, फाइंड द एरिया और एरिया इज गिवन। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स जिसमें आपको 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, किसी क्वेश्चन में आपको 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, लेकिन अगर आपको 1 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना आता है तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 1 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हो, ऐसे ही 2 टाइम्स करना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी क्वेश्चन में 3 टाइम्स फाइंड करना है तो आपको वो आना ही चाहिए फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रेंड्स आपको, सपोज
फर्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर ए 2.3 बी -1.0 एंड द सी 2.-4। चलो ऐसे भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टाइसिस आर ए 2.3 बी -1.0 और सी 2.-4। अब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? इट्स अ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मीन्स व्हाट? व्हेन ऑल सिक्स वर्टाइसिस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो राइट नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिकम्स x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बिकम्स x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बिकम्स x3 y3। गॉट इट फ्रेंड्स? सो नाउ जस्ट डायरेक्ट वी पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला। राइट डाउन, आई डोंट राइट अ फॉर्मूला, वी डायरेक्ट पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ओके, सो नाउ इट्स अ कैलकुलेशन। यहां देखते हैं फ्रेंड्स, इट्स कैलकुलेशन। ए बी सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज डिनोटेड बाई ए बी सी इज 1/2 इन द ब्रैकेट। फर्स्ट इज वॉट? x1 इज वॉट? इट्स अ 2 इन द स्मॉल ब्रैकेट। y2 इज वॉट? इट्स अ 0 माइनस। y3 इज वॉट? इट्स अ -4। सो एक्चुअली इट्स अ -4, सो इट बिकम्स +4। चलो प्लस। x2 इज वॉट? इट्स अ -1 अगेन इन द स्मॉल ब्रैकेट। y3 इट्स अ -4 एंड द -1 इट्स अ -3 प्लस। x3 इज वॉट? x3 इज 2 इंटू y1 इज वॉट? इट्स अ 3 माइनस y2 इट्स अ 0। सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड इट। सो इट्स अ 1/2 इन द ब्रैकेट 0 प्लस 4, सो इट्स अ 4 प्लस माइनस माइनस 1, माइनस 4 एंड माइनस 3 इट्स अ -7। सो प्लस 2, 3 माइनस 0 इट्स अ 3। ब्रैकेट इज ओवर। सो अगेन नाउ सिंप्लीफाइड इट, जस्ट मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 2 इट्स अ 8, माइनस माइनस प्लस इट्स अ 7 एंड 3 प्लस 2 इट्स अ 6। सो नाउ 1/2 इंटू 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, 21 डिवाइड बाई 2, सो इट्स अ 10.5। सो ए बी सी इक्वल्स टू वॉट? इट्स अ 10.5। सो हमें लास्ट में ऐसा लिखना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, व्हाट इज द एरिया? इट्स अ 10.5 स्क्वायर यूनिट। इट्स कंपल्सरी, आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही है फ्रेंड्स। ये एक क्वेश्चन हमने देखा, इसकी हम एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि जिन बच्चों को शायद थोड़ा सा कम समझ में आया हो उसको भी ये परफेक्ट समझ में आ जाए फ्रेंड्स। सो इट्स अ फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सेकंड एग्जाम्पल ऐसा भी लिया जा सकता है फ्रेंड्स। सेकंड एग्जाम्पल अगेन ऐसा दिया जा सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर ए -5, -1 बी 3, -5 एंड सी 5.2। ओके फ्रेंड्स,
सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। अगेन हमें एरिया फाइंड करना है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो नाउ अगेन एबीसी इक्वल्स टू, इट्स अ 1/2 इन ब्रैकेट, एज वी नो इट्स अ x1 y1, इट्स अ x2 y2, इट्स अ x3 y3। गॉट इट फ्रेंड्स? नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। अगेन फॉर्मूला इज व्हाट? x1 इज व्हाट? इट्स अ -5 प्लस इनटू x1 इनटू, चलो y2 इज व्हाट? इट्स अ -5 माइनस y3 इज व्हाट? इट्स अ 2। नाउ नेक्स्ट प्लस x2 इज व्हाट? x2 इज 3 इनटू y3 इज व्हाट? इट्स अ 2। देन माइनस y1 इज व्हाट? इट्स अ -1। सो -1 इट बिकम्स +1। देन प्लस x3 इज व्हाट? इट्स अ 5 इनटू y1 इज व्हाट? इट्स अ -1। एंड y2 इज व्हाट? इट्स अ -5। सो -5 इट्स अ +5। ब्रैकेट इज ओवर। समझ में आ गया? चलो अगेन, x1 इज -5, y2 इज -5, माइनस y3 इज 2, x2 इज 3, x2 इज 3, y3 इज 2, y1 इज -1, सो इट्स अ +1, x3 इज 5, y1 इज -1, and -5, so it's a +5. Now just simplified it, so it now becomes 1/2 in the bracket -5 into -7 plus 3 into 3 plus 5 into 4. So now 1/2 into plus 35 plus 9 plus 20. So it becomes 1/2 into 9 plus 5, it's a 14. So here is 1. So 3 plus 1, 4. 4 plus 2, it's a 64. So 64 divided by 2, it's a 32. So ABC equals to what? It's a 32. So last mein kya likhna hai? So area of triangle ABC is 32 square unit. तो फ्रेंड्स ये जो हमने दो क्वेश्चंस लिए, ये कैसे क्वेश्चंस हुए? इन दोनों में हमने क्या फाइंड किया? एरिया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज द टॉपिक ऑफ फाइंड द एरिया, सेकंड इज द ऑल्सो फाइंड द एरिया। आपको ये फॉर्मूला अभी याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स अभी हमने टू क्वेश्चंस किए जिसमें हमने फाइंड द एरिया ये टॉपिक देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा भी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से समझिए। सपोज थर्ड एग्जांपल, पॉइंट्स ए 7, -2, बी 5, 1 एंड सी 3, k आर कोलिनियर, देन फाइंड के। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? देन फाइंड के। अच्छी तरीके से समझिए। अब इसमें क्या करना है? अगेन पहले आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें कैसे करना है। ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज व्हाट? 7, -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज व्हाट? 5, 1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज व्हाट? 3, k एंड दे आर कोलिनियर, देन फाइंड के।
एक्चुअली अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट्स अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही यूज़ करना है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ दी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट फाइंड द एरिया एंड द सेकंड एरिया इज गिवन, ऑल सिक्स वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देन फाइंड द एरिया एंड इफ एरिया इज गिवन देन फाइंड एनी वन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ ये सेकंड वाला टॉपिक है। अब आप कहोगे इसमें एरिया कहाँ दिया है, लेकिन ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, कोलिनियर। फ्रेंड्स पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इट मींस दे आर ऑन अ सेम लाइन। नाउ इट मींस व्हाट, अगर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि इन तीनों पॉइंट को जॉइंट करके हमने कोई ट्राइंगल बनाया है, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा सोचिए कि हमने कोई ट्राइंगल बनाया है, तो वो जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, इट्स अ जीरो। इट मींस इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा, इट्स अ जीरो, क्योंकि इट्स कोई ट्राइंगल बनता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां सबसे पहले हमें ये लिखना है, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे दिखते हैं, हियर ए 7, -2 बी 5, 1 एंड सी 3, k आर कोलिनियर। सो ए बी सी, अगेन ए बी सी मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट्स अ जीरो। सो नाउ वी हैव इनडायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट्स अ जीरो फ्रेंड्स। सो नाउ वॉट, नाउ इट्स अ टॉपिक ऑफ एरिया इज गिवन। सो अगेन फॉर्मूला पुट डाउन कर देते हैं, वॉट इज द फॉर्मूला, ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। ये आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे पूरी फॉर्मूला मालूम ही है, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब आपको क्या करना है मालूम है, हियर इज 1, 2, 3, 2, 3, 1 एंड 3, 1, 2। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज व्हाट, इट्स अ जीरो। सो इज इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स वन, एक्स वन इज व्हाट, इट्स अ 7 इंटू वाई टू इज व्हाट, वाई टू इज 1, सो माइनस वाई थ्री इज व्हाट, इट्स अ के प्लस एक्स टू इज व्हाट, इट्स अ 5 इंटू वाई थ्री इज व्हाट, इट्स अ के माइनस वाई वन इज व्हाट, -2, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, ये क्यू प्लस हो गया ये आपको पता होना चाहिए। सेम प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री इज व्हाट, इट्स अ 3 इंटू वाई वन इज व्हाट, इट्स अ -2 माइनस वाई टू इज व्हाट, इट्स अ 1, ब्रैकेट इज ओवर। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 है उसको हम सामने भेज देंगे, सो इट बिकम्स 0, 0 मल्टीप्लाई विथ 2, सो इट बिकम्स 0। नाउ सिंप्लीफाइड, 7 इंटू 1, इट्स अ 7, 7 इंटू -k, सो इट्स अ -7k, 5 इंटू k, सो इट्स अ 5k, 5 इंटू 2, सो इट्स अ 10। नाउ हियर इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, -2 एंड -1, इट्स अ -3, -3 मल्टीप्लाई विथ 3, सो इट्स अ -9। सो नाउ 0 इक्वल्स 2। Now what? Addition or subtraction of same variable terms, which have same variable, उसके हम addition और subtraction कर देंगे। So -7k + 5k, so it becomes -2k. Now 7 + 10, it's a 17. 17 - 9, तो क्या हो जाएगा, 17 - 9, it's a 8. Now this 2k will be here, so it's a 2k equals to
8. So k equals to what? It's a 4. K equals to 4. तो हमें क्या find करना था? It's a k. So it's a very simple question. Same. जैसे हमने ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे दो क्वेश्चंस किए, तो इस तरीके के भी हम दो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स. सपोज आपको ऐसे भी दिया जा सकता है. एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है ए 8.1, बी के कॉमा माइनस 4, सी 2.-5, आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड के. सेम क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ही लिया है. अगेन विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट? इट्स अ कोलिनियर. दे आर कोलिनियर. So they are collinear means what? The area of triangle becomes zero. इन तीनों से जो triangle बनेगा वो क्या होगा, उसका area क्या होगा? It's a zero, क्योंकि वो triangle बनाएगा ही नहीं friends. So again इसकी formula लिख लेते हैं friends. It's a solution. A B C equals to 1/2 into x into y minus y plus x into y minus y plus x into y minus y. So now 1/2 into, okay, सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Now x1 is what? It's a 8. y2 is what? It's a minus 4. Then minus y3 is what? Minus 5. So it becomes minus minus plus 5. Okay, x2 is what? It's a k. y3 is what? It's a minus 5. Minus y1 is what? It's a 1. Plus x3 is what? It's a 2. y1 is what? It's a 1. Minus minus 4. So it's a plus 4. So now 1/2 in the bracket 8 into minus 4 plus 5, it's a 1, plus k into minus 1 minus 1, it's a minus 6, plus 2 into 5. So now, okay, here ABC is what? 0. It's a 0. Again 2 is in division, it will be in a multiplication. यहां भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, यहां से ही कट कर देता हूं. सो नाउ 8 into 1, इट्स अ 8. के इंटू माइनस 6, इट्स अ माइनस 6 के. प्लस 5 into 2, दैट इज 10. सो 0 इक्वल्स टू 8 plus 10, इट्स अ 18 माइनस 6 के. 6 के विल बी हियर, सो 6 के इक्वल्स टू 18. सो के इक्वल्स टू 3. अगेन वी गेट्स के इक्वल्स टू 3. सो ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉज गिवन इन द इनडायरेक्टली. गॉट इट फ्रेंड्स? ओके ओके फ्रेंड्स, इन शॉर्ट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस लेक्चर ऑलरेडी वी स्टडीड 4 क्वेश्चंस. आउट ऑफ देम 2 फाइंड द एरिया and 2 questions are area is given. Actually area is indirectly is given. What is the area? It was 0. Up next topic. Up kaise questions ho gaye area of triangle mein? Jaise maine pehle bataya tha, aise bhi questions ho sakte jisme aapko 2 times area find karna ho, shayad 3 times area find karna ho. और ऐसा भी हो सकता है जिसमें सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इन सभी को एक साथ लिया गया हो, सभी को मिक्स किया गया हो, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है. अब एक एग्जांपल ऐसा भी ले रहे हैं हम. सपोज ऐसा दिया गया है, एग्जांपल नंबर 5, मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया है कि देयर इज अ ट्राइंगल
ए बी सी, उस वर्टाइसिस आर ए बी सी, ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 0, -1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 2, 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 0, 3। डायरेक्ट मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अगेन ए बी सी आर दी वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड वुज कोऑर्डिनेट्स आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। नाउ नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय, विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगेन आई रिपीट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आ रहा है, आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन ऐसे ट्राइंगल का जो कैसे बनेगा, जो मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स है, साइड्स ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, उसको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आपको फाइंड करना है। सपोज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज द क्यू एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज द आर। नाउ इफ वी ज्वाइन देम इट बिकम्स ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। अगेन पी इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड आर इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इट्स वेरी सिंपल। अब आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, तो क्या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर पाओगे? आप कहोगे यस। वाई? बिकॉज ऑल सिक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन। इट मीन्स टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज नेसेसरी टू गिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस। सेम हियर, राइट नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर? यू विल आंसर नो। वाई? बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ पी क्यू एंड आर इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वॉट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ पी क्यू एंड आर। सो हाउ कैन वी फाइंड इट? अब वो कैसे फाइंड करेंगे? सो पी इज वॉट? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू इज वॉट? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी एंड आर इज वॉट? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसको इसके कैलकुलेशन हम ऐसे दिखा देते हैं फ्रेंड्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, एक्चुअली पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी इज वॉट? इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो नाउ पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो पी एक्स कॉमा वाई। ओके, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ वॉट? ए बी। सो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिकम्स वॉट? एक्स वन वाई वन। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बिकम्स वॉट? एक्स टू वाई टू। सो हियर एक्स वन इज वॉट? इट्स अ जीरो प्लस एक्स टू इज वॉट? इट्स अ टू एंड बाई टू। सेम वाई वन इज वॉट? इट्स अ माइनस वन प्लस y2 इज वॉट? इट्स अ 1 एंड डिवाइड बाई 2। Got it, फ्रेंड्स?
समझ में आ रहा है? सो नाउ इट्स अ 2/2, इट्स अ 1, माइनस 1 प्लस 1 इट बिकम्स 0, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इट्स अ 1, 0, सो इट्स अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. हाउ वी गेट बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट्स अ नाउ 1, 0. अगेन फ्रेंड्स, नाउ वी विल फाइंड Q. Q is what? Q is a midpoint of BC. So coordinates of Q, again suppose it's a x comma y. Okay, right now it's a midpoint of BC. So coordinates of B becomes x1, y1, and coordinates of C becomes x2, y2. So x1 is what? It's a 2, plus x2 is what? It's a 0/2. y1 is what? It's a 1. y2 is what? It's a 3/2. So it's a qx, y equals 2. It's a 1 and it's a 2. So they are the coordinates of Q, 1, 2. So also we get coordinates of Q, it's a 1, 2. Same we will find the coordinates of R. R is a midpoint of AC. So R of x, y equals to, here is AC. So coordinates of A becomes x1, y1 and coordinates of C becomes x2, y2. x1 is what? It's a 0. x2 is what? It's a 0/2. y1 is what? It's a -1. y2 is what? It's a 3/2. So again it's a R of x, y equals to 0, it's a 1. y1 minus 1 plus 3, it's a 2. 2/2, it's 1. So they are the coordinates of R. It's a R of x, y, it's a 0, 1. So here is 0, 1. Got it, friends? So now our problem is solved. Now we have all 6 coordinates of P, Q and R. So it's a simple question now becomes. Just topic of area of triangle. So we can find the area of triangle here. It's a like this. P, Q, R equals to 1/2 into, we will just direct put down the value x1. x1 is what? Kiska area find karna hai? PQR. So coordinates of P becomes x1, y1, coordinates of Q becomes x2, y2, and coordinates of R becomes x3, y3. So x1 is what? It's a 1 into y2 is what? It's a 2 minus y3 is what? It's a 1 plus x2 is what? It's a 1. y3 is what? It's a 1. y1 is what? It's a 0. Plus x3 is what? It's a 0. y1 is what? It's a 0. And y2 is what? It's a 2. Again, I repeat, x1 is 1. y2, it's 2. y3 is 1. x2 is 1, y3 is 1, y1 is 0, x3 is 0, y1 is 0 and y2 is 2. So now it's a 1/2 in bracket, 2 minus 1, 1, 1 into 1, it's a plus 1, 1 minus 0, 1 into 1, it's a 1. ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है, 0 multiply with any number becomes 0. So now it's a 1/2 into 2. So it's a 1. So area of PQR is a 1 square unit. लेकिन यहां questions खत्म नहीं हो रहा है. Now next what? इसी question में हमें ऐसा भी पूछा गया है friends. Find the ratio of triangle PQR and the actual triangle ABC. Find the ratio of area of triangle PQR and the area of triangle ABC. इन दोनों का हमें जो एरिया है उसका रेशियो फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इन दोनों का एरिया होना चाहिए.
आउट ऑफ देम वी हैव द एरिया पी क्यू आर. सो फर्स्ट अगेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो वो कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, इट्स लाइक दिस. ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 into okay, now we are find the area of ABC. So coordinates of A becomes x1 y1, coordinates of B becomes x2 y2, and the coordinates of C becomes x3 y3. Okay, now x1 is what? It's a 0 into y2 is what? 1 minus y3 is what? It's a 3 plus x2 is what? It's a 2. y3 is what? It's a 3 minus 1, so it becomes plus 1, plus x3 is what? It's a 0 into y1 is what? It's a minus 1, and the y2 is what? It's a minus 1. Again friends, 1/2 into, ye to 0 ho jayega, same ye bhi 0 ho jayega, 3 plus 1, it's a 4, 4 into 2, it's a 8, so 8/2, it is 4. So area of triangle ABC is what? 4 square unit. अब हमें इन दोनों का क्या find करना है? Ratio. So now PQR upon ABC is equals to 1/4. Therefore PQR is to ABC equals to 1:4. So its the ratio is 1:4. Got it friends? Okay friends, अभी जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें मिड पॉइंट और एरिया ये दोनों टॉपिक कंबाइन किए गए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2, एंड डी 2, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ any quadrilateral. So find area of quadrilateral. क्या find करना है? It's a area of quadrilateral. Okay. What is the meaning of quadrilateral? Which have 4 sides. Now, actually it's what? A, B, C, D. It's form any quadrilateral. Right now, types of quadrilateral is not given. It's a rhombus, it's a parallelogram, that is not given. It's a rectangle, square, it is not given. It's just a quadrilateral whose vertices are A, B, C and D, and we have to find the area of quadrilateral. Which are the coordinates of A, B, C, D? Coordinates of A are -4, -2, B is -3, -5, C is 3, -2, and the D is 2, 3. ओके अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. बट द एक्चुअली वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. वी हैव द फॉर्मूला बट फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, नॉट फॉर द क्वाड्रिलेटरल. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज फाइनल. And we don't have formula for the area of quadrilateral, that is also final. So now what we will do? Friends, aisa aap 9th mein padh chuke ho. It's very simple. Now what we will do? We will just draw any one diagonal like AC. So now what? Now quadrilateral divides in a 2 triangle. Quadrilateral divides in a 2 triangle. First triangle is what? It's a ABC,
एंड द सेकंड ट्रायंगल इज व्हाट, इट्स अ एडीसी। तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इट्स अ सम ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। तो एक्चुअल में हमें अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट हाउ मेनी टाइम्स, इट्स अ टू टाइम, हमें टू टाइम एरिया फाइंड करना है, नथिंग एल्स। सो इसका हम सॉल्यूशन यहां बता देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी सी, ओके, अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी, इट्स अ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, नाउ व्हेन वी जस्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यू हैव टू जस्ट लुक आउट एट ए बी एंड सी। ए इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिकम्स एक्स वन वाई वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बिकम्स एक्स टू वाई टू, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बिकम्स एक्स थ्री वाई थ्री। वी हैव द फॉर्मूला, सो वी विल डायरेक्ट पुट डाउन द वैल्यू, वन बाय टू एक्स वन, एक्स वन इज वॉट, इट्स अ माइनस फोर, इंटू वाई टू, वाई टू इज वॉट, इट्स अ माइनस फाइव, माइनस वाई थ्री इज वॉट, माइनस टू, सो इट बिकम्स प्लस टू, प्लस एक्स टू, एक्स टू इज वॉट, इट्स अ माइनस थ्री, प्लस सॉरी इंटू वाई थ्री इज वॉट, माइनस टू, माइनस वाई वन इज वॉट, इट्स अ माइनस टू, सो इट बिकम्स प्लस टू, प्लस एक्स थ्री इज वॉट, इट्स अ थ्री, इंटू वाई वन इज वॉट, इट्स अ माइनस टू, एंड प्लस वाई थ्री इज वॉट, माइनस फाइव, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस फाइव। सो नाउ वन बाई टू इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव प्लस टू, इट्स अ माइनस थ्री, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा भी लिख लेते हैं हम फ्रेंड्स, इट्स अ माइनस थ्री इंटू जीरो, प्लस थ्री इंटू थ्री। सो नाउ वन बाई टू इंटू फोर इंटू थ्री, इट्स अ ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, ये जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री इट्स अ नाइन, 12 प्लस 9 इंटू 21, एंड 21 डिवाइड बाई 2 इट्स अ 10.5। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 10.5 स्क्वायर यूनिट। अब क्या फाइंड करना है, इट्स अ ए डी सी। ए डी सी मीन्स वॉट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी फाइंड करते हैं, सो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिकम्स वॉट, एक्स वन वाई वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बिकम्स वॉट, एक्स टू वाई टू, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बिकम्स वॉट, इट्स अ एक्स थ्री वाई थ्री। सो ए कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट डाउन कर देते वैल्यू, एक्स वन, एक्स वन इज माइनस फोर, इंटू वाई टू इज थ्री, माइनस वाई थ्री इज माइनस टू, सो इट्स अ बिकम्स प्लस टू, प्लस एक्स टू, एक्स टू इज टू, इंटू y3, y3 is minus 2, and minus y1, it's a plus 2, minus minus plus 2, plus x3, it's 3, into y1, it's a minus 2, and minus 3. So now, it's a 1 by 2 into minus 4 into 3 plus 2, it's a 5, ये तो 0 हो जाएगा, it's a 0, plus 3 into minus 5, सो नाउ वन बाई टू इंटू माइनस ट्वेंटी एंड माइनस फिफ्टीन, सो इट्स अ वन बाई टू इंटू माइनस थर्टी फाइव, सो इट्स अ माइनस 17.5। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज माइनस 17.5। लेकिन हमें मालूम है फ्रेंड्स, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या लिखना है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू वॉट, इट्स अ 17.5। बट हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये जो हमने टू टाइम्स फाइंड किया है वो क्या है, इट्स अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इट्स अ ए बी सी डी। ए बी सी डी मीन्स वॉट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इट्स अ सम ऑफ टू ट्राइंगल, सो इट्स अ ए बी सी प्लस ए डी सी। नाउ ए बी सी इज वॉट, इट्स अ 10.5, एंड द ए डी सी इज वॉट, इट्स अ 17.5, so it becomes 28 square unit. So
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट 28 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितने टाइम फाइंड किया, 2 times। ऐसा एक और भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 times फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसका मतलब है उसमें मिड पॉइंट का भी यूज करना है फ्रेंड्स, वरना वो क्वेश्चन सेम ऐसा ही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।